मरकजी व रियासती हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों और बदनवानियों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से निकाली गई जनसंघर्ष यात्रा में खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस महिला आघाड़ी की लीडर पुनीता सुनील सिंह रावत समेत कांग्रेस की सैकड़ों अहदेदारान और महिला वर्कर्स ने जनसंघर्ष यात्रा में सरगर्म हिस्सा लिया। पुनीता सुनील सिंह रावत के साथ कारपोरेटर प्रकाश कौर खालसा, अनिता ठाकुर, शाहीन समदानी, नवीद कादरी, राम गड़िया मैडम, ललिता शिंदे, शीला निखाते, कविता कलस्कर, अनिता अंगोले, सुमति वियाटकर व दीगर लीडरान मौजूद थी। महिला आघाड़ी की जानिब से पुराना मोंढा और गुरुद्वारा चौरास्ते पर जनसंघर्ष यात्रा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तमाम महिला वर्कर्स और लीडरान ने नए मोंढे में हुए जलसे में भी सरगर्म हिस्सा लिया। इस जिमन में एमसीएन से गुफ्तगू करते हुए पुनीता सुनील सिंह रावत ने कहा कि अच्छे दिनों का वायदा करके मोदी ने सरकार तो बना ली, लेकिन तभी से आवाम के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सबसे बुरे दिन औरतों और बेटियों पर आ गए हैं। मोदी राज में किसी औरत बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। एक साल की मासूम बच्ची से लेकर 100 साल की बूढ़ी औरत को भी दरिंदा सिफत लोग हवस का निशाना बना रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र और देवेंद्र हुकूमत को घर का रास्ता दिखा दिया जाए। नांदेड़वासियों को नांदेड़ संभालने की अशोक चौहान की अपील पर पुनीता सिंह रावत ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी तमाम महिला कांग्रेस वर्कर्स के साथ नांदेड़ में कांग्रेस को मजबूत करने, बिलखसूस औरतों में कांग्रेस का पैगाम पहुंचाने के लिए खूब मेहनत करेंगी।